इंडिया और वेस्टइंडीज का तीसरा यानी आखिरी ओडीआई मुकाबला 27 जुलाई को खेला गया था, जिसमें कि इंडिया ने वेस्टइंडीज को डीएनएस मेथड से 119 रनों से हरा दिया। बारिश के कारण मैच को 40-40 ओवर का कर दिया गया था, लेकिन दोबारा बारिश होने के कारण इंडिया की टीम बस 36 ओवर ही बैटिंग कर पाई। इंडिया की टीम ने 36 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना पाई। इंडिया की तरफ से शिखर धवन ने 58 रन, शुभमन गिल ने 98 रन, सरेश अय्यर ने 44 रन, सूर्य कुमार यादव ने 8 रन और संजू सैमसंग ने 6 रन बनाए। इंडिया की टीम ने 36 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना पाई। वेस्टइंडीज की तरफ से बॉलिंग करते हुए अकील हुसैन ने 1 विकेट और हेडन वाल्स ने 2 विकेट निकाले। वेस्टइंडीज की टीम को 35 ओवर में 257 रनों का डीएलएस टारगेट मिला। 257 रनों का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 26 ओवर में 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज की तरफ से साई होप ने 22 रन, काइल मायर्स ने 0 रन, समर ब्रुक्स ने 0 रन, ब्रेंटन किंग ने 42 रन, निकोलस पोन ने 42 रन, केसी कार्टे ने 5 रन, होल्डर ने 9 रन, अकील हुसैन ने 1 रन, किमो पॉल ने 0 रन, हाइडन वास ने 10 रन और जेडन सेल्स ने 0 रन बनाए। वेस्टइंडीज की टीम 26 ओवर में 137 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिस कारण से वह यह मुकाबला 119 रनों से हार गई। इंडिया की तरफ से बॉलिंग करते हुए मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट, अक्षर पटेल ने 1 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट, चहल ने 4 विकेट और शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट निकाले। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड शुभमन गिल को मिला और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी शुभमन गिल को ही मिला।